मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1500 लाभार्थियों को सौंपे प्रधानमंत्री गरीब शहरी आवास। कहा, पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र में नहीं किया कोई काम, चेहरे देख कर दिया जाता था सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। उन्होंने 15 नए कोविड टेस्ट लैब का भी किया लोकार्पण। लखनऊ में चल रहा 2 दिवसीय 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री ने देशभर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों पर दिया जोर। और गोवा में चल रहे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पैनोरमा का सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। एमी बरुआ की सेम फोर फीचर श्रेणी में पैनोरमा की रही ओपनिंग फिल्म। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1500 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की, जिसमें 149 अल्पसंख्यक, 394 पिछड़ा वर्ग, 281 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 664 सामान्य जाति के लाभार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है उसका लाभ हर तबके को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 45 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत के वर्षों में उनकी सरकारों में आमजन के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, सरकारी योजनाओं का लाभ चेहरे देख कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था, उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायीकरण की वजह से धरती के भगवान का सम्मान कम हुआ है, जिसे हमें पुनः बहाल करना है। इस अवसर पर उन्होंने 15 नए कोविड टेस्ट लैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में कोविड जांच के लिए 45 लैब संचालित हो रहे थे और अब 60 हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बाकी जिलों में भी कोविड टेस्ट लैब शुरू की जाएगी। मेरा यह मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि का से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे, वह अपनी अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते
इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब शासन ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ करके प्रत्येक उस जरूरतमंद व्यक्ति को, जो पहले बीमार होता था, वे मान लिया जाता था कि अब वह उसके लिए एक असाध्य बीमारी असाध्य हो गई है, आज उसे 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। कमोबेश एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित हुई है। लखनऊ में चल रहा 2 दिवसीय 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में को हाइब्रिड प्रारूप आयोजित किया गया, जिसकी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चाओं में शिरकत की। सम्मेलन के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण और सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया है। उन्होंने देश भर के पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों पर जोर दिया। साथ ही गृहमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी गठित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, ताकि जो तकनीक है उसे जमीनी स्तर पर पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए करने पर भी जोर दिया। उन्होंने 2014 में लागू की गई स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा के लिए भी कहा, उसमें लगातार बदलाव लाने और उसे संस्थागत करने पर बल दिया। पुलिस की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने उच्च तकनीक शिक्षा प्राप्त युवाओं को जोड़ने के लिए कहा है, ताकि हैकेथॉन के माध्यम से तकनीकी समाधान जोड़े जा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फोटो ट्वीट की और एक कविता भी लिखी। इस तस्वीर को लेकर देश के सत्ता के गलियारों में जमकर चर्चा रही। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी के सीएम ने फोटो के साथ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 116 करोड़ 72 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,329 मरीज स्वस्थ हुए, रिकवरी रेट 98.3% है। वहीं 10,488 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 1,22,714 है। आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉ समीरन पांडा ने बताया कि शोध में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि 6 महीने बाद किसी व्यक्ति को कोविड की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन कई फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, तो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की श्रेणी के अंतर्गत नए युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिला है। असम से 4 फिल्मों, 3 फीचर और 1 गैर फीचर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा में जगह बनाई है। आईमी बरुआ द्वारा सेमखोर फिल्म दिमासा भाषा की फिल्म है और भारतीय पैनोरमा की ओपनिंग फिल्म भी रही है। भारतीय फिल्म पैनोरमा का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर फीचर फिल्म सेमखोर के कलाकारों ने अपनी खुशी जाहिर की और वहीं गैर फीचर फिल्म श्रेणी के फिल्म वेद द विजनरी के निर्देशक राजीव प्रकाश ने भी इफ्फी के मंच तक पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। With the visionary has been a most cherished project close to my heart. It is a treasure trove of visual history documented on film and how my father conquered the world of newsreel filming.
52वें इफ्फी में इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की श्रेणी के अंतर्गत नए युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इन फिल्मों का चयन एक खास जूरी द्वारा किया गया। इस श्रेणी का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और कहा कि प्रसून जोशी और केतन मेहता जैसे बड़े फिल्मकारों से इन युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या है, हमारे देश में कैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लोग अपने शहरों को छोड़कर मुंबई के फुटपाथ पर जाकर सोते हैं, 10-10 साल बिताने के बाद भी इन लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको वो सब करने से पहले इनसे सीखने का अवसर देने का काम भी हमने किया है। इफ्फी के साथ इस बार ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन भी हो रहा है। इस श्रेणी की शुरुआत दूसरे दिन हुई। We have a fantastic jury to take the process forward, a fantastic collection of films, a bouquet of films which reflect the diversity of filmmaking in all the 5 countries. इफ्फी के आयोजन को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। मेरे हाथ में तो धमाका लगी है, सुपर, बहुत अच्छा धमाका है, मस्त सी। कल का वो इनॉग्रल शो भी बहुत बढ़िया था और आज की धमाका जो मूवी देखी है बहुत बढ़िया। टॉपिक ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन बहुत बढ़िया इशू को पकड़ा है। वहीं दूसरे दिन इफ्फी में मास्टर क्लासेस और इन कॉन्वर्सेशन सेशंस की शुरुआत भी हुई, जिसमें मधुर भंडारकर जैसे दिग्गजों ने भाग लिया। नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के निर्माण में महारत हासिल कर रहे भारत की रक्षा तैयारियों के लिए कल एक ऐतिहासिक दिन रहा। INS विशाखापट्टनम के रूप में भारतीय नौसेना को नया और उन्नत विध्वंसक युद्धपोत मिला है। 75% स्वदेशी सामान से निर्मित INS विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जिसे दुश्मन के रडार के द्वारा भी पकड़ पाना मुश्किल है। नौसेना में शामिल हुआ INS विशाखापट्टनम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी। युद्धपोत के निर्माण में 75% स्वदेशी सामान और तकनीक का हुआ है उपयोग। देश का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और स्वतंत्र रखने में मददगार। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री ने युद्धपोत विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। ये P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल से लैस है। 173 मीटर लंबी, 17 मीटर चौड़ी और 7400 टन वजन वाले युद्धपोत को रफ्तार देने के लिए 4 पावरफुल गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये 30 नॉट की स्पीड से समुद्र की निगरबानी कर सकती है। आधुनिक युद्धपोत भारतीय तकनीक का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण और डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि ये जल्द ही किसी दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकता। साथ ही इसमें तैनात की गई है सतह से सतह और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें।
भारतीय तकनीक से विकसित रॉकेट लॉन्चर जो कि पनडुब्बी विध्वंसक रॉकेट लॉन्चर जो कि पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित किए गए हैं उन्हें भी युद्धपोत पर लगाया गया है। साथ ही ये युद्धपोत केमिकल, बायो और न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत 3 और अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, आने वाले सालों में वो भी जल्द ही नौसेना में शामिल होंगे। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के 5वें आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह आधार सेवा केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह आधार सेवा केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के 122 शहरों में कुल 166 केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। गाजियाबाद का यह केंद्र आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में 5वां केंद्र होगा। इस केंद्र के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नागरिकों को वन स्टॉप सेंटर पर आधार से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस आधार केंद्र की क्षमता 1000 प्रतिदिन है। यहां के स्थानीय निवासियों को अपने आधार को अपडेट कराने हेतु अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक प्रधानमंत्री जी का एक जो डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसके तहत हम उत्तर प्रदेश में 5 आधार सेवा केंद्र खोल चुके हैं और 5 और खोलेंगे। और आधार एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक स्ट्रक्चरल बेसिस बन गया है जिससे हम प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा और ये द्वारा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो करप्शन लेस सीमलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं बेनिफिशरीज के अकाउंट में, तो आधार के तहत आज 500 सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स जोड़ गए हैं। और आधार सेवा केंद्र से जो लोगों को जो कठिनाई होती है कि आधार के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा और गाजियाबाद और गाजियाबाद के आसपास के लोगों को ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक सर्विस होगा। गाजियाबाद का पहला ऐसा आधार सेवा केंद्र है जहाँ पे प्रतिदिन 1000 लोगों का आधार बनाया जा सकता है जी। और ये आधार सेवा केंद्र आपने देख लिया है, पूरे तरीके से वातानुकूलित है। यहाँ पे हैंडीकैप अगर कोई पर्सन है तो उसका भी आधार बनेगा और 0 से लेके जितने साल का व्यक्ति है सभी आयु के वर्गों के लोगों का आधार बनेगा। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चोरों के कुख्यात सरगना हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने आज कुर्क कर लिया। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के पटेल नगर इलाके की करोड़ों की आलिशान कोठी कुख्यात वाहन चोर हाजी इकबाल और उसके 3 बेटों की है। इकबाल पिछले 2 दशकों से वाहन चोरी करवाकर स्पेयर पार्ट्स बेचने का गोरख धंधा चला रहा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हाजी इकबाल के खिलाफ अन्य राज्यों में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इकबाल का गोरख धंधा बदस्तूर जारी रहा। ऐसे में अब योगी सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चल रहा है, जिसमें अब तक मनु कबाड़ी, हाजी गल्ला, राहुल काला समेत कई बड़े वाहन चोरों पर गैंगस्टर और कुर्की तक की कार्रवाई कर ली गई है, जिसके बाद अब वाहन चोरों में इकबाल और उसके 3 बेटों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों की माने तो आज हाजी इकबाल और उसके 3 बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और धारा 14A के तहत इनकी 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन 3 के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इनपे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों की जब्तीकरण किया गया है।
बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही बस्ती में उच्च तकनीकी सुविधाओं युक्त इंडोर स्टेडियम की सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी। उन्होंने बस्ती जनपद में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं भी खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में खेल का सामान तैयार किया जाता है, इससे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। प्रदेश के खेल युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया। और जब युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां पर वो खेले भी और आगे भी बढ़े, तो पढ़ाई भी और खेल भी, ये दोनों बहुत आवश्यक। पढ़ाई भी हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है, तो खेल भी आज एक करियर के रूप में लोग लेने लगे। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ी को उचित प्रोत्साहन मिलाए, उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। और इस खेल महाकुंभ के माध्यम से आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हमारे बस्ती के नौजवान राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको खेलने का अवसर मिले, वहाँ पर सफल हों, इस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है। ताजनगरी में आगरा लोकसभा क्षेत्र की सांसद खेल स्पर्धा का आज केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा मिनी मैराथन को झंडी दिखाते हुए शुभारंभ किया गया। मिनी मैराथन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों द्वारा भाग लिया गया। सांसद खेल स्पर्धा 21 नवम्बर से शुरू होकर 24 नवम्बर तक चलेगी और इसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी सहित कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। सभी विजेता खिलाड़ियों को 24 नवम्बर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत देश मजबूत होना चाहिए और देश मजबूत तब होगा जब इस देश के नागरिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। सांसद खेल स्पर्धा में आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश एक बहुत ही फिट देश होना चाहिए। भारत देश मजबूत देश होना चाहिए। मजबूत तभी होगा जब इस देश के नागरिक फिट होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के 132 हिंदू और 93 मुस्लिम जोड़े सहित कुल 225 जोड़ों का अत्यंत धूमधाम के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम सरकार की पंथ निरपेक्ष समावेशी सोच और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अभिभावकों को आर्थिक तंगी की वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही सहायक साबित हो रहे हैं। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है कि आपने देखा कि हिंदू जोड़े भी, मुस्लिम जोड़े भी, जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना है उसके तहत जो है वो यहाँ पर लगभग जो है वो 2200 से ज़्यादा जो है वो जोड़े आज जो है वो विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। और एक तरह से हम जब कहते हैं कि मेरा देश जो है वो अनेकता में एकता का की एक मिसाल है, मेरा देश जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का के संकल्प का एक मिसाल है, तो उसका एक उदाहरण ये भी है। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में सेना के उत्तर मध्य कमान द्वारा विजय दिवस का आयोजन किया गया। हमारे देश के सेना के जवानों ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्त की थी। इसी कड़ी में इस विजय दिवस और सेना के द्वारा हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर मध्य कमान के जीओसी मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने बताया कि 1971 की जंग में हमने पाकिस्तानी सेना के हजारों की संख्या में जवानों और उनके तैयार किए गए लाखों आक्रमणकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और बांग्लादेश का निर्माण कर वहां के नागरिकों को भी स्वतंत्र होने का मौका दिलाया। उन्होंने कहा कि आज नौजवानों को देश के लिए मर मिटने वाले उन सपूतों की याद करने की कड़ी में इस मेले का आयोजन किया गया है। मात्र 13-14 दिन के समय में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की फौज को पराजित किया और इसके फलस्वरूप
बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय पाकिस्तान की हार हुई उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सबसे बड़ा सरेंडर जो इतिहास में है वो पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी फौज को दिया। 1971 वॉर के इस विजय को विजय दिवस के तरह से हमारा पूरा देश मनाता है। इस वर्ष इसके स्वर्णिम विजय वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी इस नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अनियल रुख पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हूं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैयों को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो तीन कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं। जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों किसान बिल वापस लेने पर जनपद हमीरपुर में किसान यूनियन ने खुशी जताई है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर, जो कि खेती किसानी के लिए जाना जाने वाला जनपद है, बुंदेलखंड में किसान दो प्रमुख फसलें, रबी और खरीफ की फसल करते हैं। किसान बिल की वापसी की घोषणा पर जनपद के किसानों ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1500 लाभार्थियों को सौंपे प्रधानमंत्री गरीब शहरी आवास। कहा, पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र में नहीं किया कोई काम, चेहरे देख कर दिया जाता था सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। उन्होंने 15 नए कोविड टेस्ट लैब का भी किया लोकार्पण। लखनऊ में चल रहा 2 दिवसीय 56वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री ने देश भर के पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों पर दिया जोर। और
गोवा में चल रहे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पैनोरमा का सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। एमी बरुआ की सेम फोर फीचर श्रेणी में पैनोरमा की लगी फिल्म। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।